हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट्स यूट्यूब चैनल के अंदर। वैल्यू ग्रुप बी की जो रियल डेट है और उसकी आंसर की है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में दी गई है। इस दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके अंगराज मोहन ने सीधे ही तौर पर दिया हुआ है, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो लगभग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी दी हुई थी आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की रिजल्ट डेट चेक ईयर। तो यहाँ आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की 2018 द आरआरबी ग्रुप डी आंसर की विल बी रिलीज ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड रिजल्ट ऑन दिस लास्ट वीक ऑफ द सेम मंथ। यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की यहाँ पे जारी की जाएगी और रिजल्ट आपका सेम टू सेम वही मंथ यानी कि आपका जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे जाके न्यूज़ पेपर देखते हैं और ये आपकी न्यूज़ आपकी यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे 25 दिसंबर की है। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है और यहाँ आप नीचे चलते हैं आपको तो यहाँ पढ़ते वापस द रेलवे रिक्रूटमेंट विल बी रिलीज द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एंड द रिजल्ट बाई द लास्ट वीक ऑफ द सेम मंथ द आंसर की हैव बीन प्रिपेयर्ड ड्यू टू हॉलीडेज द बोर्ड इज नॉट रिलीज इन इट दिस वीक द आंसर की ऑफ द आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आरआरबी ऑफिशियली अंगराज मोहन सेड एडिटिंग द रिजल्ट विल बी रिलीज ऑन द लास्ट वीक ऑफ द सेम। यानी कि इस वीक इसमें न्यूज़पेपर में ये बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो आंसर की है जो आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में आंसर की कर दी जाएगी, साथ साथ में क्या है आपका रिजल्ट वो उसी महीने में यानी कि आपकी जनवरी के लास्ट महीने में चेक आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इस वीक में क्या होता है आपके दिसंबर में छुट्टी होने की वजह से इस वीक में आपके आंसर की जारी नहीं की जा रही है क्योंकि छुट्टी है इस टाइम पे आपकी हॉलीडे चल रही है इस वजह से। ठीक है, अच्छा और नीचे भी और भी आपकी दी हुई है यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन द मंथ लॉन्ग एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 17 दिसंबर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड कैन चेक द आंसर की रिजल्ट थ्रू ऑल द रीजन बेस्ड ऑफिशियली वेबसाइट वंस रिलीज। यानी कि आपकी 17 दिसंबर तक आपकी एग्जाम हो चुकी थी और इसे आप अपनी संबंधित साइट पर इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके यहाँ पे द रेज ऑब्जेक्शन आरआरबी ग्रुप एग्जाम द कैंडिडेट्स हैव लॉग इन द यूजर आईडी एंड द दे नीड टू गो थ्रू देयर क्वेश्चन एंड आंसर्स केयरफुली। रिमेंबर ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश द ऑब्जेक्शन विल बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रेस्पेक्टिव अल्टरनेटिव इन द रिमार्क कॉलम एंटर योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्शन है अगर आपके आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्शन करना है वो भी आपका लॉग इन आई डी करके और अपना जो पासवर्ड डाल के। ठीक है, जैसा कि तुमने ELP के अंदर किया हुआ और फिर नीचे दिया है आपका यहाँ पे आपका कि ए टोटल ऑफ 1.89 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द ग्रुप डी डी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर। यानी कि 1.89 यानी कि 1,89,00,000 कैंडिडेट्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सम्मिलित हुए जो कि आपकी 17 सितंबर से इसकी एग्जाम स्टार्ट हुई थी। तो इस हिसाब से देख सकते हो बड़ी कुछ खुशखबरी निकल कर आ रही है, बस आपको थोड़ा सा टाइम और वेट करना पड़ेगा उसके बाद आपका फर्स्ट वीक में जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी आपके जनवरी के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जैसे कि और भी अपडेट जैसे आती है तो आपको मैं पहुँचाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ बाय।